नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्विक सफोरा हॉल, और डेफिनेटली इस हॉल में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूं जो मैं इतने महीनों से बोल रही हूं कि मुझे खरीदना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल वीडियो। आई विल क्विकली ओपन दिस बॉक्स अप एंड शो यू कि क्या परचेज़ किया है मैंने। तो मैंने बॉक्स खोला है, लेट्स सी कि मैंने क्या परचेज किया है सेफोरा से। सो जल्दी से देखते हैं क्या क्या पिक किया है मैंने सेफोरा से। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है, काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है मेरे लिए, तो वो है ये ग्लो रेसिपी का किट है, ग्लो रेसिपी प्लम्प एंड ब्राइटन ड्यूओ। और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक गुआवा विटामिन सी डार्क स्पॉट सीरम 15 ml का बॉटल आ रहा है, और प्लम्प हाइलुरोनिक सीरम 15 ml का। तो इसके अंदर ये है, काफ़ी पॉपुलर है ये प्रोडक्ट्स, और ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स मैंने अब ट्राई कर लिए हैं, एंड आई थिंक आई हैव फॉर्म माई ओपिनियन, आई लव ग्लो रेसिपी प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है। सो इट इज़ सो क्यूट पिंक, यू कैन सी मेरे नेल पेंट भी पिंक है, एंड वैलेंटाइंस भी आ रहा है तो हार्ट वगैरह भी डाल रखे हैं मैंने, बना रखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये गुआवा विटामिन सी डार्क स्पॉट सीरम है, काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है ये डार्क स्पॉट्स के लिए, एक्ने मार्क्स और स्कार्स के लिए। सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस वन अप, आई हैव नेवर यूज दिस प्रोडक्ट, और ये पंप पैकेजिंग में आता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेट मी सी हाउ इट फील्स, दैट्स अ लॉट नो। सो ग्लो रेसिपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे होते हैं। वाओ, फील्स सो गुड, ऐसा कुछ पंजेंट स्मेल तो नहीं है, पर हल्का सा गुआवा का फ्रेग्रेंस आ रहा है समहाउ, एंड यू कैन सी हाउ मॉइस्चराइजिंग इट इज़। वाओ, दैट्स नाइस। सो ग्लो रेसिपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है मुझे। मैंने जो प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं वो मुझे डिसेंट लगे, और जब तक वो मेरे एक्ने को एग्जेजरेट नहीं कर रहे, ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, आई वुड से दोज आर डिसेंट इनफ, कि ऐसा कुछ ड्रास्टिक मुझे नहीं देखने मिला है। और मैं इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मेरी काफ़ी एक्ने प्रोन स्किन है, और यहाँ पे काफ़ी एक्ने स्कार्स रह गए हैं, सो आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई, दैट्स व्हाई दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई पिक दिस वन अप। एंड टॉकिंग अबाउट द अदर वन व्हिच इज़ देयर इन दिस, दिस प्रोडक्ट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। इसका छोटा वाला साइज़ का बॉटल मेरे पास ऑलरेडी है, वो पंप पैकेजिंग में है, एंड दैट इज़ अ गुड वन। इट्स अ यू नो चिपचिपा काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई वुड से। सो आई थिंक टोनर की वजह से ऐसा होता होगा, ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन टोनर जो है वो अप्लाई करती हूँ मैं, फिर हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, तो मोर लेस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टोनर इट मस्ट बी हैपनिंग। पर टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स अ रियली हाइप्ड अप प्रोडक्ट येट अगेन, और ये पैकेजिंग बहुत क्यूट है। तो सेफोरा पे मुझे ये किट मिल रहा था तो मैंने किट पिक कर लिया, एंड आई मस्ट से कि एक पंप में मेरा पूरा फेस कवर हो जाएगा क्योंकि इसका पंप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू सॉ कि इतना सा मैंने दबाया और पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो फेस पे ये पूरा कवर हो जाएगा एक बार में, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड आई थिंक दिस वन ऑल्सो इज इन पंप पैकेज ओनली, या दैट्स सो क्यूट नो। सो अगेन दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट, एंड अपने स्किन केयर रूटीन को ज़रा सीरियसली ले लो यार, और एक्ने हो या नहीं हो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इस किट को पिक किया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, एंड इसमें यूसेज और यूटिलाइजेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, डबल सीरम्स डबल बेनिफिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन ओवर हियर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दीज टू प्रोडक्ट्स। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं या नहीं, काफ़ी महंगे होते हैं ये प्रोडक्ट्स, मैं डेफिनेटली इस बात को झुटला नहीं सकती। लेट्स मूव ऑन एंड सी मैंने क्या पिक किया है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट रेयर ब्यूटी, रेयर ब्यूटी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन आई वुड से, स्टे वल्नरेबल ग्लॉसी लिप बाम 200 rupees का है ये, काफ़ी महंगा लिप ग्लॉस है। आई हैव पिक्ड अप द शेड नियरली मूव, काफ़ी शेड्स थे
आई थिंक टोटली 6 शेड्स हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ये शेड मैंने इसलिए पिक किया ताकि मैं अपनी डेली लाइफ में से यूज़ कर सकूँ। ब्राइट पिंक भी था, सो आई वॉज वेरी डाइसी मैं कौन सा पिक करूँ। नियरली न्यूट्रल भी था, बट नियरली मूव इज़ वॉट आई पिक्ड। यहाँ पे लिखा है, अच्छा आप क्लियरली देख सकते कि नहीं, इसका वॉन्ड कुछ ऐसा दिखता है यार। ये लिप बाम का वॉन्ड, काइंड ऑफ लिप ग्लॉस कह लो यार, लिप बाम कैसे कह रहे हैं आई डोंट नो, बट या वाह। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, इट्स अ मूवी लिप बाम एंड आई एम श्योर ये बिल्डेबल है। एंड कवरेज या लिप बाम या लिप ग्लॉस से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कवरेज वगैरह नहीं होती इन सब चीज़ों में। तो 2000 का ये प्रोडक्ट है एंड काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है फॉर श्योर, एंड आई रियली वांटेड टू गिव इट अ ट्राई एंड वांटेड टू ट्राई आउट दिस वन फ्रॉम रेयर ब्यूटी, क्योंकि ये काफ़ी हाइप्ड अप प्रोडक्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, हाई एंड ब्रांड है और उसके उतने ही चोचले होते हैं, सो आई थिंक दैट्स दैट। हैविंग सेड दैट, इसको अपने लिप्स पे अप्लाई करने के बाद ही मैं बता सकती हूँ कि वर्थ परचेजिंग है या नहीं, सो डेफिनेटली आई यूज़ इट एंड लेट यू नो। वैसे रेयर ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, यूज़र फ्रेंडली ब्रांड भी है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड कुडोज़ टू सलीना। एंड ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है। अगर आप में मेकअप लवर हैं या टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते हैं, तो आपको एक ना एक प्रोडक्ट तो किसी के पास दिख ही जाएगा जो रेयर ब्यूटी का होगा। एंड इट्स अ क्रेज़, यू नो पीपल आर क्रेजी फॉर दिस ब्रांड आई वुड से, एंड दैट इज़ गुड थिंग। सो आई वाज लाइक नहीं मैं भी ट्राई करती हूँ, बट डेफिनेटली 2200 रुपये देना फॉर अ लिप बाम और अ लिप ग्लॉस, आई अंडरस्टैंड एंड आई एम अवेयर कि काफ़ी महंगा है। एंड हियर इट इज़, here is the rare beauties positive light silky touch highlighter in the shade blonde। इसके बारे में तो मैं कुछ ही कहना नहीं चाहती। आई थिंक मैं अपने चैनल के थ्रू आपको अपना दुखड़ा रोल जो है वो सुना चुकी हूँ कि मैं बहुत, आई थिंक इसको लॉन्च होके 2 महीने हो चुके हैं सेफोरा पे, अभी 19 तारीख को ही आना था, 19 तारीख को ये स्टोर पे नहीं आया। ऑनलाइन मैंने 3-4 बजे देखा था, तभी नहीं था, पर रात को देखा 7-8 बजे, तो टोटली आउट ऑफ स्टॉक था। अभी 19 जनवरी की बात कर रही हूँ इस साल, एंड उसके कुछ दिन बाद कुछ शेड्स बैक इन स्टॉक आए, एंड आई वाज वेरी डाइसी कि मैं मेसमराइज तो था ही नहीं स्टॉक में, भूल जाओ। जब एक्सेलरेट आया, और फ्लॉन्ट तो कभी आउट ऑफ स्टॉक था ही नहीं, प्रॉब्ली इट इज़ वन ऑफ द डीपर शेड्स, सो नोबडी वाज इंटरेस्टेड एज सच आई वुड से, बट मैंने एक्सेलरेट को देखा एंड आई वाज लाइक इट इज़ प्रॉब्ली नॉट द शेड दैट आई शुड गो फॉर, एंड आई पिक्ड फ्लॉन्ट। सो लेट्स सी कि फ्लॉन्ट कैसा शेड है। ऑनलाइन स्वॉचेज ब्राउन स्किन टोन पे बहुत ही कम हैं इस पर्टिकुलर शेड के, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पैकेजिंग, कितनी सुंदर पैकेजिंग है। मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कितना वेट किया, 2 महीने तो आराम से। ओ वाव अमेजिंग, इसमें इतना सुंदर मिरर है, एंड सी आई एम सो हैप्पी। काफ़ी लोगों को स्वॉच करते हुए देखा, मुझे लगा कि फ्लॉन्ट मुझे सूट नहीं करेगा, बट आई थिंक इट सूट मी सो वेल। आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड नॉट पिक एक्सेलरेट एंड आई हैव पिक्ड दिस वन इंस्टेड, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पिक मेसमराइज। लेट मी अगेन स्ट्रेस ऑन वन फैक्ट, 90 या 95 दिरहम का ये पड़ना चाहिए था, और ये सेफोरा 140 दिरहम का बेच रहा है, दैट्स टू दैट्स अ ट्रूथ। एंड बहुत ही ज़्यादा मार्जिन लेके वो लोग इसे सेल कर रहे हैं। आई थिंक एज अ मेकअप लवर, यस आई परचेज इट बाय पेइंग 140 dirhams 2500 rupees फॉर दिस स्मॉल थिंग, बिकॉज रेयर ब्यूटी इज़ काइंड ऑफ मिड रेंज मेकअप ब्रांड, बट दिस वन इज़ सर्टनली नॉट अ मिड रेंज प्राइज प्रोडक्ट। बहुत ही महंगा हाईलाइटर है ये, एंड आई डोंट थिंक सो एनी हाईलाइटर इज़ वर्थ इट, इतना महंगा। तो सेफोरा ने पता नहीं क्या सोच के इतना महंगा रखा है। माई रिक्वेस्ट टू सेफोरा इज़ टू ब्रिंग द प्राइस डाउन, इट्स टू हाई फॉर दिस हाईलाइटर। एनी हाईलाइटर इन द ड्रग स्टोर रेंज विल ऑल्सो परफॉर्म गुड, फॉर एग्जाम्पल मेबलिन्स मोल्टन गोल्ड
Crown of My Canopy by Wet n Wild, Max Soft and Gentle. So you know, if I compare to Max Soft and Gentle, uska jo packaging hai, that's big. The amount of product is more than this. This is really, really costly. So I think it's not fair. But I know बहुत सारी pricing होती है, shipping this that what not, they would have paid and they are like, हम तो इतना पैसा लेंगे customer से, customer देगा भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा viral product है यार. वो सब ठीक है, खरीदने वाले खरीद ही लेते हैं, I'm one of them, but I felt bad. मैं genuinely बता रही हूँ, मैं इसे purchase करना चाहती थी. और Rare Beauty का जो product range है वो अच्छा है, product quality भी अच्छा है. I really genuinely want to try products from Rare Beauty, पर बहुत ही महंगे हैं एटलीस्ट इन UAE. एंड ये तो मुझे बिल्कुल भी रीजनेबल प्राइस नहीं लगा, जेन्युइनली स्पीकिंग. आई नो फॉर्मुलेशन अच्छा है, बहुत ही प्यारा दिखता है, आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैंने इसे पिक किया, वरना फालतू में इतने पैसे थोड़ा बर्बाद करती. बट मोर लेस मुझे लगता है समवेयर अराउंड 100 दिरहम वुड हैव बीन सफिशिएंट फॉर दिस स्मॉल ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्वालिटी की बात कर लो, वो भी जस्टिफाई नहीं करता ये प्राइसिंग. और प्रोडक्ट पैकेजिंग कर लो, प्रोडक्ट अमाउंट कर लो, नथिंग इज जस्टिफाइंग दैट प्राइस पॉइंट. सो आई डोंट नो वॉट इज इट, बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वेट वेट वेट, इसमें दो सैम्पल्स भी हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ. सफर पर आप जब शॉपिंग करते हैं तो आपको सैम्पल्स भी मिलते हैं. एंड ये सिसेडो का अल्टीम्यून पार इन्फ्यूजिंग कॉन्सनट्रेट है, जो उन्होंने एज अ फ्री सैम्पल दिया है फॉर टेस्टिंग. एंड टॉम फोर्ड का रिसेंटली रिलीज चेरी स्मोक 2 ml और दी परफ्यूम स्प्रे भी है, एंड दैट्स सो क्यूट बाय टॉम फोर्ड. टॉम फोर्ड इज़ अ वेरी लग्जूरियस ब्रांड, एंड इसमें 2 ml का प्रोडक्ट मुझे मिला है, दैट इज़ अ गुड थिंग. इट्स अ रिसेंटली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स अ न्यू लॉन्च इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट वॉट एवर इट इज़, लेट मी स्प्रिट्स इट. जा रहा है ये मोर लेस, ये काली का जो बर्निंग चेरी है ना, वैसा स्मेल कर रहा है. सो दैट्स दैट. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.